सो हे गाइस, फिलहाल मैं काफ़ी कंफ्यूजन है बजाज और ट्रैम की बाइकों को लेकर कि एक्चुअली में कितनी बाइकें लॉन्च होने वाली हैं इंडियन मार्केट में। कोई कह रहा है एक बाइक लॉन्च होगी, कोई कह रहा है दो बाइक लॉन्च होगी। तो मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे सभी बाइकों को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए कि एक्चुअली में कितनी बाइकें लॉन्च होने वाली है ट्रैम्प और बजाज की तरफ से। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी दो बाइकों की टेस्ट राइडिंग चल रही है, एक इंडियन मार्केट में एक इंटरनेशनल मार्केट में। तो दो बाइकें तो बिल्कुल कंफर्म है जो कि आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, बाकी एक और बाइक आएगी कोलैबोरेशन में जो कि होगी क्रूजर सेगमेंट की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी बाइकों की लॉन्च डेट क्या होने वाली है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाएंगे बाइकों में, और लॉन्च होने पर इन सभी बाइक्स का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन मार्केट में। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेज करने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है 250 cc कैटेगरी में आने वाली बजाज और ट्रैम की स्क्रैम्बलर 250। इस बाइक की टेस्ट राइडिंग इंडियन मार्केट में करी जा रही थी और फिलहाल में टेस्ट राइडिंग खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि ये बाइक आपको जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक में आपको 250 cc का इंजन देखने को मिल सकता है जो इस बाइक के साथ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20 से 24 BHP की, और इस पावर के साथ ये बाइक 140 से 145 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में तो आपको बाइक में डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे। बाइक में कंसोल फुल्ली डिजिटल होगा जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के एडवांस फीचर में आपको इसमें मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बाकी सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक्स का यूज किया जाने वाला है और रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा। बाइक में लाइटनिंग ऑल LED रहने वाली है बाइक के सभी पार्ट्स में। और बाइक के टायर साइज में आपको इसके फ्रंट पार्ट का टायर मिलेगा 110x90 mm का और रियर पार्ट का टायर मिलेगा 140x70 mm का। टायर आपको इसमें मल्टीपर्पज देखने को मिलेंगे अलॉय व्हील्स के साथ। और बाइक के डायमेंशन वगैरह की बात करें तो इस बाइक का कर्व वेट आपको देखने को मिलेगा 150 से 170 kg के अराउंड। बाइक में 180 से 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 810 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइड के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में आपको 12 से 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 240,000 से 250,000 के शोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस ऑटो लगाकर 270,000 से 280,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो अगली एक और बाइक है जो कि आपको देखने को मिलने वाली है दोबारा से ट्रैम्प और बजाज के कोलैबोरेशन में, लेकिन अब की बार ये बाइक एक क्रूजर कैटेगरी की बाइक होने वाली है। और हाँ, मुझे पता है कि अभी इस बाइक की टेस्ट राइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बजाज और ट्रैम की तरफ से आपको 2 से 3 बाइकें देखने को मिलेगी। तो बात करें इस बाइक के बारे में तो इस बाइक में आपको 350 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25 से 30 BHP की, और इस पावर के साथ ये बाइक 140 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में तो आपको बाइक में डुअल चैनल ABS मिल जाएगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे और बाइक का कंसोल होगा सेमी डिजिटल, जो कि आपको एक रेट्रो सेगमेंट का लुक देगा जिसमें आपको बाइक से रिलेटेड सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। बाकी आपको बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में गोल्डन UHD फोक्स मिलेंगे और रियर पार्ट में ट्विन ट्यूब शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, जो कि मेनली क्रूजर बाइकों में करा जाता है। और बाइक में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलने वाली है बजाज और ट्रैम की तरफ से। और बाइक के टायर साइज की बात करें तो आपको इसमें फ्रंट पार्ट का टायर मिल जाएगा 110x70 mm का और रियर पार्ट का टायर मिल जाएगा 140x70 mm का। टायर आपको बाइक में ट्यूबलेस मिलेंगे, अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी रहेगा बाइक में। बाकी बाइक के डायमेंशन वगैरह की हम बात करें तो बाइक का कर्व वेट आपको देखने को मिलेगा 170 से 190 kg के राउंड। 150 से 170 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस होगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 765 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों बाइक में आपको 12 से 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2023 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2 लाख से 2,20,000 के शोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस ऑटो लगाकर 2,30,000 से 2,40,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो दोस्तों अगली बाइक है स्क्रैम्बलर 350, जिसकी टेस्ट राइडिंग इंटरनेशनल मार्केट में करी जा रही है। दोनों ही बाइकें लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाइक के पार्ट्स में, लाइक एग्जॉस्ट में और एसेसरीज में। तो चलिए बात करते हैं स्क्रैम्बलर 350 के बारे में। तो
तो ये बात आप सभी को पता है कि जो बजाज और ट्रैम की कोलैबोरेशन में आने वाली बाइक है वो आपको 350cc कैटेगरी में देखने को मिलेगी, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाली है 30 से 35 bhp की। अब इस पावर के साथ ये बाइक 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो आपको बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे, बाइक में डुअल चैनल ABS रहने वाले आप सभी की सेफ्टी के लिए, और जो बाइक का कंसोल होगा वो आपको TFT डिस्प्ले वाला देखने को मिलेगा। बाकी आपको इस बाइक में छोटी सी विंडस्क्रीन भी देखने को मिलेगी बजाज और ट्रैम की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बाइक को स्पोर्ट कर लिया गया है टेस्ट राइडिंग के दौरान, जिससे हमें पता चला है कि आपको इस बाइक में फ्रंट पार्ट में USD फोक्स मिलने वाले हैं और इसका रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस बाइक के मॉडल में हैंड गार्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे बाइक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज और भी बेटर हो जाएगी। और आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलने वाली है। और आपको दोस्तों इस बाइक में ट्विन स्टैक एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि TVS की Apache सीरीज में है। तो बात करें बाइक के डायमेंशन की, तो आपको इसका कर्वेट देखने को मिलेगा 170 से 180 kg के अराउंड, और बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस होगी 200 mm की, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है ऑफरोडिंग के लिए। और इस बाइक में आपको सीट हाइट मिलेगी 800 mm की, जो कि थोड़ी बहुत दिक्कतें देने वाली है शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी आपको बाइक में 12 से 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं बजाज और ट्रैम के कोलैबोरेशन में आने वाली बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये बाइक आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2 लाख से 2 लाख 30 हजार के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस RTO लगाकर 2 लाख 40 हजार से 2 लाख 60 हजार के ऑन रोड प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो बजाज और ट्रैम के कोलैबोरेशन में आने वाली टॉप 3 बाइकों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन तीनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।